हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये मैंने क्लास टेंथ के क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या हमको निकालना है। फ्रेंड्स कहते हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले अंतर समझिए। अंतर का मतलब होता है घटाओ, यानी कि एक संख्या में से दूसरा संख्या घटेगा, यानी कि अंतर होगा 26 माने घटेगा। तो यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा तो उसका अंतर क्या होगा, 26 होगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x होगा क्योंकि दो संख्या इसमें, तो इसमें हम पहली संख्या को हम x मान लेते हैं। संख्या में निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि पहली संख्या पहली संख्या को हम क्या मानते हैं, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या को हम y मानते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं तथा दूसरी संख्या y हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब घटाव होता है, यानी कि एक संख्या में से दूसरा संख्या घटेगा तो उसका घटाव कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि तुलना हो रहा है यहाँ पे। तो तुलना तो हमेशा बराबरी के बीच होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, यानी कि ये संख्या है ना, इससे ये 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, आप कुछ कोई भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखना अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखा है x माइनस वाई बराबर 26, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। और x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू है 3y, तो यहाँ पर x के मान हम रखेंगे क्या, 3y, और यहाँ पे y है बराबर 26। 3y में से 1y घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2y बचेगा बराबर 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26। और गुना में 2 है इस साइड आएगा तो भाग में, तो कटेगा तो कितना होगा, 13 से, तो y का माना क्या, 13। अब हमें x का मान पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान मुझे मालूम हो जाएगा क्योंकि x बराबर 3y है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y के मान क्या है, y के मान है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 * 39। ये फ्रेंड्स x और y के मान मुझे निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली संख्या को हम x माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 39, तथा दूसरी संख्या क्या माने y, तो y का मान क्या निकल कर आ गया है, 13, यहाँ पर लिखेंगे 13। फ्रेंड्स यही मेरा आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।